पहला सवाल रैपिड फायर है तो ज्यादा मत। घर में आपकी सरकार चलती है <laughs> उद्धव जी के साथ एक कप चाय पीना चाहेंगे वन ऑन वन क्या बात है अच्छा कोविड काल में घर में आपने मदद की डिड यू हेल्प अराउंड द हाउस अच्छा एक और बात हो जाए अमृता जी को पता लगता है कब आप उनसे झूठ बोल रहे हैं जनता से डर नहीं लगता पर मीडिया से डर लगता है फिफ्टी <laughs> फिफ्टी अच्छा मोदी जी ने कभी आपको डांट लगाई है कभी ऐसा लगा कि हो गया यार पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं कब लगा है? ये तो पूछना पड़ेगा देखिए हर एक के जीवन में आपको भी अपने प्रोफेशन में लगा होगा बहुत कर लिया यार आप छोड़ देते हैं लेकिन दूसरे दिन आदमी फिर वापस चला ही जाता है ना ऐसे होता है पर मैं सच बात बताऊं मुझे आज तक अभी तक ये नहीं लगा कि मैं ये प्रोफेशन छोड़ दू मुझे इस प्रोफेशन से बहुत प्यार है सर आई रियली एंजॉय देखिए आपको किसी ना किसी ने लगा होगा अभी याद आएगा आपको <laughs> डांट कब पड़ी ये बताइए डांट कब पड़ी नहीं डांट तो पड़ते रहती कभी ना कभी तो डांट पड़ती है अपने घर के बड़े लोग तो डांटते हैं ना कभी ना कभी अच्छा क्या देवेंद्र फडनविस जी को ओसीडी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये ग्लास इधर क्यों रखा है इधर रखो नहीं है वो नहीं है वो प्रॉब्लम नहीं है ओके okay, फाइनली कभी अपना भाषण भूल गए या नेता का नाम भूले <laughs> भाषण भूले कि नेता का नाम नेता का नाम भूले कौन थे <laughs> कभी एक मॉनसून आएगा जब हिंद माता में फ्लडिंग नहीं होगी वेरी बिग यस और लास्ट में डू यू थिंक वो तो हिंद माता की फ्लडिंग हमने इसलिए रखी है कि हमारे जो कैमरामैन है ना उनको इधर उधर भटकना न पड़े बारिश आ गए तो हिंद माता के सामने जाके खड़े हो जाए तो फ्लडिंग हो जाए अभी वो भी कितने भटकेंगे अभी ये के इधर आ रहा है सिक्सर ठीक है चलिए लास्ट प्रश्न डू यू बिलीव बिलीविंग अजीत पवार वॉज योर बिगेस्ट पोलिटिकल ब्लंडर